नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। तो साथियों, आज आप सभी के लिए जो है, जितने भी आईटी के साथी हैं उन सभी के लिए जो है, एक और जो है अच्छी न्यूज निकल के आ रही है और काफी महत्वपूर्ण जो है सूचना भी आप सभी के लिए। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये आज का ही लेटर जो है हरियाणा जो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है पूरी हरियाणा की जितने भी जिले की आईटीआई हैं उन सभी के प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिनांक देख सकते हैं, 10/6/2020 आज की तारीख का लेटर जारी किया गया है। तो इस लेटर के अंदर जो विषय है आपको वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एनसीवीटी की वार्षिक ऑब्लिक सेमेस्टर सिस्टम पूरक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र ऑब्लिक OMR की डिमांड भेजने बारे। तो साथियों, यहाँ पर हरियाणा सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने पूरे जिले जो है जितने भी आईटीएस है हरियाणा के अंदर सभी प्रिंसिपल के को ये लेटर जारी किया है और उन सभी को ये निर्देश दिए कि आने वाली जो है एनसीबीटी की वार्षिक परीक्षा है या वो सेमेस्टर सिस्टम की जो पूरक परीक्षाएं, जो बैक पेपर जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र और जो है OMR शीट की यहाँ पर डिमांड मांगी गई है, ताकि जो है आने वाले समय में जो है इसकी परीक्षा करवाई जा सके। तो साथियों, आप सभी के लिए काफी जरूरी सूचना है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीचे भी पढ़ना बताना चाहता हूँ कि सूचित किया जाता है कि एनसीबीटी की वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम पूर्व परीक्षाएं भारत सरकार द्वारा जारी DGT की डेट शीट के अनुसार जुलाई अगस्त में करवाई जानी है। तो निदेशालय द्वारा दिनांक 15/5/2019 को जारी परीक्षा केंद्रों की सूची के अनुसार वे अपने संस्थान के को वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम के लिए प्रश्न पत्र व OMR की डिमांड तैयार करके 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है ईमेल निदेशालय को भेजी जाए। तो साथ ही यहाँ जितने भी आईटीज है हरियाणा राज्य के अंदर उन सभी के प्रिंसिपल्स से ये सूचना मांगी गई है कि जो जून जुलाई जुलाई अगस्त के अंदर जो आपकी परीक्षा करवाई जानी है उनके जो है आपकी OMR शीट कितनी आपको आवश्यकता है स्टूडेंट के हिसाब से और कितने जो है प्रश्न पत्र चाहिए, तो उन सभी की जो डिमांड मांगी गई है, ताकि जो आपके जो है परीक्षाएं जो है जून जो जुलाई अगस्त में करवाई जानी है। तो साथ ही यहाँ से कुछ पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो हरियाणा सरकार है यहाँ पर जो है आपके ऑफलाइन एग्जाम लेने जा रही है। तो ये भी काफी यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि हरियाणा जो राज्य के अंदर जो है आपके एग्जाम है वो ऑफलाइन होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर OMR शीट और जो है प्रश्न पत्र की यहाँ पर डिमांड की गई है। तो साथ ही काफी बड़ी ब्रेकिंग है आप सभी के लिए न्यूज है। जो भी जितने भी आईटीआई के साथी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। तो हो सकता है कि पूरे इंडिया के अंदर भी जो है आपके एग्जाम है ऑफलाइन ही हो। और साथियों, काफी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि बैक पेपर कब होंगे, तो साथियों इसके अंदर देख सकते हैं हेडिंग के अंदर आपकी जो यहाँ पर लिखा हुआ कि एनसीबीटी की एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम की जो पूरक परीक्षाएं हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। उन सभी के जो है यहाँ पर एग्जाम जो है जुलाई अगस्त के अंदर करवाई जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो साथियों, मेरे चैनल के ऊपर 100% जो है सही न्यूज दी जाती है, क्योंकि मैं भी एक खुद राज्य के आईटीआई के अंदर ड्राइंग निदेशक के पद पर कार्य हूँ। तो आपको ऐसी कोई गलत सूचनाएं मेरे चैनल के ऊपर नहीं दी जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, 100% सही न्यूज ही आपको देता हूँ और आगे भी देता ही रहूंगा इस तरह का। तो आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक तो कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और आपके अपने सभी जितने भी साथी उन सभी को मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी रेगुलर। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथी, और आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है और ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।